आज का मेरा एपिसोड उन जर्नलिस्टों के लिए है जो कि ये झूठ बोलते रहते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर और अपने टॉक शोज़ के अंदर कि इंडिया आउट कैंपेन जो है बांग्लादेश की उसका ग्राउंड पे इतना कोई असर नहीं है और बांग्लादेश के लोग कोई इंडियन प्रोडक्ट्स के बैकआउट वाली जो कैंपेन चल रही है उसमें हिस्सा नहीं ले रहे तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये एपिसोड है और आप लोग जो देख रहे हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड आज मैं कर रहा हूँ इस एपिसोड में मैं आज ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये जो इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश के अंदर चल रही है इसकी क्या पावर है पब्लिक के अंदर क्या पावर है इसकी और कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये पब्लिक के अंदर और हर वो बंदा जो कि आपको ये कहता हुआ नजर आता है कि ग्राउंड पे ये फेल हो गई है और लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे वो झूठ बोल रहा होता है बेसिकली हुआ ये है नादरी कि वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है बांग्लादेश के स्टोर्स पे मौजूद जो भी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की उनके बारे में तो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पहले ही लिख चुके हैं कि वो स्लो मूविंग हो गए हैं उनके ऊपर भारी डिस्काउंट्स दिया जा रहा है क्योंकि लोग उस पर खरीद नहीं रहे लेकिन वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ था मिसाल के तौर तो पर रॉ मटेरियल आलू टिंडे प्याज वगैरह उनके हवाले से मैंने कहा था पिछले दिनों के अवामी लीग की जो सरकार है वो भारी भरकम किस्म के ऑर्डर्स जो हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स के देने जा रही है और इंडिया से आपको आने वाले दिनों में प्याज की जो इम्पोर्ट है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी और वैसा ही हुआ बांग्लादेश की मार्केट के अंदर ऑनियंस जो हैं वो शॉर्ट थे और शॉर्ट होने की वजह से उनकी डिमांड हाई थी और डिमांड हाई होने की वजह से उनकी प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुकी थी अब ऐसे में अवामी लीग की सरकार ने फैसला किया कि वो इंडिया से प्याज मंगवाएंगे ऑनियंस मंगवाएंगे ऐसी सूरत हाल में जबकि मुल्क के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही थी तो ख्याल ये किया जा रहा था कि ये जो प्याज आएंगे, लोगों को तो नहीं पता होगा ना उस पर लिखा तो नहीं होता प्याज के ऊपर कि ये मेड इन इंडिया या मेड इन बांग्लादेश तो लोग खरीद लेंगे ना ये बांग्लादेशी सोसाइटी का जिसके लिए मैं कहता रहता हूँ कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विजडम मौजूद है बांग्लादेशी कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिकल विजडम जो है ना कलेक्टिव पॉलिटिकल विजडम सोसाइटी के अंदर एक अपना होता है मतलब जनरली लोग क्या सोचते हैं वो एक अलग से विजडम होता है कभी आप सोसाइटी की स्टडी करें ना किसी की भी तो जनरली लोगों की क्या परसेप्शन होती है क्या सोच रहे होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और बांग्लादेशी सोसाइटी में ये चीज़ मौजूद है पोलिटिकल विजडम जिसको कहते हैं आप अब इनका टेस्ट था ये कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि ये इंडियन है या नहीं है वो उन प्रोडक्ट्स को कैसे बाइकआउट करेंगे ये इनका टेस्ट था बांग्लादेशी सोसाइटी का तो उन्होंने क्या किया है आप हैरान हो जाएंगे आज सुन के हुआ ये कि इन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए इंडिया के अंदर अब इंडिया ने क्या किया कि सिर्फ तीन चार मुल्कों के ऊपर से एक्सपोर्ट बैन हटा दिया इंडिया ने बैन लगा के रखा हुआ था एक्सपोर्ट्स जो ऑनियन की एक्सपोर्ट इस पर बैन था किसी को नहीं कर रहे थे लेकिन जब बांग्लादेश ने इनको कहा कि हमें ऑनियन्स चाहिए तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने भी जब देखा कि वहाँ पर बायकॉट की कैंपेन चल रही है तो अच्छा होगा कि हम अपने ऑनियन्स भेज दें ताकि ये इंप्रेशन डायल्यूट हो जाए कि कोई बायकॉट नहीं है वहाँ पर तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी बांग्लादेश के ऊपर एक्सपोर्ट बैन की रिस्ट्रिक्शंस हटा दी और अनाउंस कर दिया कि हम बांग्लादेश को ऑनियंस एक्सपोर्ट करेंगे अब उन्होंने क्या किया कि उनकी जो सरकारी एक्सपोर्ट एजेंसी है इंडिया की इंडिया ने फैसला किया कि उनके जरिए आ, खरीदारी की जाएगी प्राइवेट सप्लायर्स से इंडिया के अंदर प्राइवेट जो सप्लायर्स हैं उनसे खरीदारी की जाएगी और गवर्नमेंट भेज देगी बांग्लादेश के अंदर और बड़े शेख चिल्ली वाले मंसूबे बनाए जा रहे थे बिलियन ऑफ रुपीस जो है वो कमाएंगे क्योंकि सप्लाई और डिमांड का मसला बहुत ज्यादा था यानी प्राइजेस का मसला बहुत ज्यादा था तो उन्होंने क्या किया कि उनतीस रुपए के हिसाब से उनतीस रुपए पर केजी के के हिसाब से इंडिया ने लोकल ट्रेडर्स से ऑनियंस खरीदने शुरू किए ट्वेंटी नाइन रुपीज पर के जी अब इसको मैं जरा अगर टका में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं मैंने इसका हिसाब लगाया तो ये बन रहा है कोई थर्टी एट रुपीज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे थर्टी एट टका बनता है आ, इंडिया के उनतीस रुपए बांग्लादेश का आज के डेट के हिसाब से अड़तीस टका बनता है अब यानी अड़तीस टका में इन्होंने बेचने का होलसेल मार्केट जो बांग्लादेश की उसको बेचने का इन्होंने फैसला किया अब ऑब्वियसली इसमें ट्रांसपोर्टेशन लगती और इसके अंदर मार्जिन लगता वहाँ जो इम्पोर्टर है बांग्लादेशी इम्पोर्टर उसका मार्जिन लगता तो ये पचास साठ रुपए के लगभग जो है वो बांग्लादेशी मार्केट में इससे भी ज़्यादा ये बनता क्योंकि एक्सपोर्ट महंगी होती बहुत सारे जो ऑनियन है ये नॉर्थ इंडिया से भी आ रहे होते तो ये जब पूरा इंडिया क्रॉस करके बाय रोड जब बांग्लादेश में दाखिल हो रहे होते तो बहुत ज्यादा इस पे ट्रांसपोर्ट कास्ट भी लग चुकी होती अब इन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए आपको मैं जरा अभी चार पांच रोज पहले का ये चार पांच रोज के अंदर ये ड्रामेटिक जो टर्न ओवर हुआ है ना ये चार पांच रोज के अंदर हुआ है वो जो मैंने कह रहा था ना कि बांग्लादेशी पॉलिटिकल विजडम जो है उसका जरा आप देखिए कितना ज्यादा वहां पर मौजूद है लोगों के अंदर शऊर जिसको कहते हैं अवेयरनेस ये चार पांच दिनों के अंदर उन्होंने गेम ही उल्टा दी द बिजनेस स्टैंडर्ड ने अठारह मार्च को खबर लगाई इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोक्योर वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी टन ऑफ ऑनियन फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट और इसमें वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेज नेशनल कोऑपरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड ये इंडिया की सरकारी एक्सपोर्ट एजेंसी है दी एक्सपोर्ट एजेंसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू परचेज 1650 टन्स ऑफ ऑनियंस फ्रॉम प्राइवेट ट्रेडर्स एट अ रेट ऑफ 29 केजी फॉर एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश और इसमें आगे वो कहते हैं कि इंडस्ट्री इंसाइडर्स से द एक्सपोर्ट एजेंसी इज एक्सपेक्टेड एज ऑनियंस आर करंटली सेलिंग एट 80 टू 90 रुपीस पर केजी इन बांग्लादेश बहुत ज्यादा डिमांड हाई थी वहां पर चार पांच रोज पहले तक हाई डिमांड थी लेकिन अब क्या हुआ है? जैसे ही ये ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं और जैसे ही वहां पर ट्रकें लोड होना शुरू हुई हैं मतलब गवर्नमेंट ने पैसे भर दिए बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे ट्रेडर्स ने मतलब मैं इनको पहले भी कह रहा था जरा देखभाल की जो पब्लिक कैंपेन होती हैं ये थोड़ा सा इनको कंसीडर करना चाहिए मूड इनका देखना चाहिए कि किधर है वरना फिर वो बड़ी घाटे का सौदा हो जाता है तो इन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश के अंदर ऑर्डर्स प्लेस कर दिए थे तो हुआ यह है जैसे ही वहां पर ट्रक लोड होकर और इधर आना शुरू हुई हैं तो अचानक से बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड जो है ना सडनली गिर गई है ऑनियंस की लोगों ने ऑनियन से डालना ही छोड़ दिया है खानों के अंदर और उन्होंने ऑनियन से यानी इस्तेमाल करना उन्होंने कहा कि चाहिए ही नहीं इंडिया का ऑनियन आ रहा है वी डोंट नो कि ये बांग्लादेशी ऑनियन है या इंडियन ऑनियन है तो इसीलिए हमें ऑनियन चाहिए ही नहीं तो सडनली बांग्लादेश भर में डिमांड गिर गई है वहां पे अब ये बड़ा हैरान कुन है क्योंकि ये सारा जो इवेंट हुआ ये चार पांच दिनों के अंदर अंदर हुआ है और इसमें ऑब्वियसली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है ये जो बैकवर्ड कैंपेन चल रही है ये जंगल की आग की तरह बांग्लादेश में फैल रही है तो सडनली डिमांड गिर गई है और डिमांड गिरने की वजह से प्राइजेस डिक्लाइन हो गई है बांग्लादेश के अंदर ऑनियन की प्राइजेस डिक्लाइन हो गई है ये जरा समझने की जरूरत है मैं थोड़ा सा यहां पर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है थोड़ा सा वो समझाना चाहूंगा आपको ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है ना उसकी जो कीमत होती है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है एक तो उसकी डिमांड कितनी है आ, मार्केट के अंदर कितने लोग खरीदना चाहते हैं और दूसरा उसकी सप्लाई कितनी है अगर सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो वो चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो बांग्लादेश के अंदर पिछले आ, चार पाँच रोज पहले तक भी हाई डिमांड थी लोग खरीदना चाह रहे थे ऑनियन लेकिन उसकी सप्लाई कम थी तो सप्लाई कम होने की वजह से प्राइसेस हाई हो गई अब यह हुआ है कि जब लोगों ने खरीदारी छोड़ दी है ऑनियंस की तो 30-40 परसेंट डिमांड गिर गई है उसकी तो डिमांड गिरने की वजह से ये जो इंडिया अड़तीस टका में पर किलो अड़तीस टका पर किलो बांग्लादेश को बेचना चाह रहा था वो घटके प्राइस बत्तीस टका हो गई है यानी बांग्लादेशी लोकल मार्केट के अंदर जो ऑनियन मौजूद है वो इंडियन ऑनियन से सस्ता हो गया तो जब ऑलरेडी मुल्क के अंदर सस्ता ऑनियन मौजूद है तो कोई बेवकूफ ट्रेडर ही होगा ना जो ऑर्डर प्लेस करके इंडिया से ऑनियन मंगवाएगा और वो लोग जिन्होंने पहले से ही ऑर्डर प्लेस कर दिया वो कहा जाएंगे अब तो उनका बनता है उनका तो ऑनियन गोदामों में पड़े पड़े सड़ जाएगा इसकी तो इतनी यानी लाइफ भी नहीं होती जल्दी एक्सपायर होने वाली चीज है आप जरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की आज की ये बहुत बड़ी खबर देखिए कि डोमेस्टिक ऑनियन ग्लड सिंक प्राइज कर्स इंडिया इम्पोर्ट ट्रेडर्स हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन है ऑनियन फ्रॉम नेबरिंग इंडिया ड्यू टू तो रिसेंट ड्रामेटिक फॉल इन डोमेस्टिक प्राइजेस इन द किचन स्टेपल और जरा लेवल चेक करिए वो अड़तीस टका पे बेचना चाह रहे थे इंडियन जो ट्रेडर अड़तीस टका में फिर वो एड होती ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट और इंपोर्टर का मार्जिन ये सारा एड होता तो ये साठ सत्तर अस्सी टका पे कहानी पहुंचती लेकिन जरा देखिए इस वक्त लोकल मार्केट की क्या सूरत हाल है वो तो कहते हैं फार्म लेवल प्राइजेस टू तो डिस्ट्रिक्ट होल सेल रेट है फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी टका पर के जी नेशन वाइड अकॉर्डिंग टू दी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग द प्राइस इज रिप्रेजेंट अ टका थर्टी टू फोर्टी डिक्लाइन इन बोथ रिटेल एंड होलसेल लेवल विद इन जस्ट अ वीक एक हफ्ते के अंदर अंदर मित्रों ये सारा कुछ इतना ज्यादा डिक्लाइन तीस से चालीस टका पर के जी इतना बड़ा डिक्लाइन तो ये दाद देनी पड़ती है वहाँ की जो सोसाइटी है उनकी अवेयरनेस आपको नजर आती है कि उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट किया है जैसे ही ये खबरें आई कि जी वहाँ से इंडिया से ऑनियन आ रहे हैं तो ऑनियन लेना लोगों ने छोड़ दिया और इतना ज्यादा यहाँ पर आ, ये जो डिमांड है वो गिर गई है इस कमोडिटी की अब दूसरी खबरें ये आ रही हैं कि वो दालें और शुगर लेने का फैसला उन्होंने किया हुआ है अवामी लीग की सरकार ने इंडिया से मंगवाने का तो उनके साथ भी यही होगा यानी कॉन्फिडेंस जो है इंपोर्टर का वो शेक हो गया है इस वाक्य के बाद वो तो कैसे लेगा इंडियन प्रोडक्ट्स फिर अगर वो फर्ज करें किसी एक तो प्राइस पे लेता है तो यहाँ मुल्क के अंदर उनकी डिमांड अगर गिर जाएगी तो फिर उनका क्या होगा उन चीजों का जो कि उनके गोदामों में पड़े पड़े खराब हो रही होंगी कौन लेगा फिर इस तरह की चीजें इंडिया से तो बहुत बड़ा वाक्य हुआ है मेरे ख्याल से इंडिया आउट कैंपेन का यूं समझें कि एक आपको उरूज नजर आता है इस वाक्य के अंदर बहुत ज्यादा ये लोगों के अंदर फैल चुकी है और विद इन अ वीक आप देखें कि इतनी बड़ी जो डिमांड थी वो गिर गई है ऑनियन जैसी कमोडिटी की गिर गई है और ये लम्हा फ़िक्रिया है सोचने का मकाम है इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए कि इतने ज़्यादा तपे हुए हैं बांग्लादेश के लोग इंडियन पॉलिसी मेकर्स की वो जो हरकतें हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा वो गुस्से में ये गुस्सा है पब्लिक एंगर है बेसिकली जो कि प्रोटेस्ट की सूरत में आपको नज़र आ रहा है नॉन वायलेंट किस्म का पीसफुल प्रोटेस्ट है लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा है और यकीनी तौर पर इस पर बांग्लादेश के कलेक्टिव विजडम को दाद देना बनती है